नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रही तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की भारतीय टीम के सामने स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। आर्तुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय पारी का आगाज भी धमाकेदार अंदाज से किया था। पहले ही ओवर में आर्तुराज गायकवाड़ ने दो शानदार चौके लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड़ को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया। आर्तुराज गायकवाड़ 12 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही ऑस्ट्रेलिया की शानदार गेंदबाजी के आगे शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की यह जोड़ी आसानी से बड़े शॉट खेल रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम पर बन रहा दबाव खत्म होने लगा था। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की यह जोड़ी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रही थी। अब दोनों ही खिलाड़ी अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे और फिर इसी बीच पारी के 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का लगाते हुए अपने इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वही उनके साथ ही खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ने भी उनके तुरंत ही बाद पारी के 16वें ओवर में एक गजब का छक्का लगाते हुए अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों की लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से पूरी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी दबाव में थी, तो वहीं इसी बीच इन दोनों की शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ अपने गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम की यह साझेदारी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से भारतीय टीम का रन रेट बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका था। दोनों ही खिलाड़ी अब शतक से काफी नजदीक थे और फिर पारी के 30वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले में धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। देखते ही देखते दोनों के बीच 200 रनों की विशाल साझेदारी पूरी हो गई, लेकिन फिर पारी का 31वां ओवर डालने आए शॉन एबोट ने श्रेयस अय्यर को मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 90 गेंदों में 105 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद भारतीय कप्तान के एल राहुल बल्लेबाजी करना मैदान में आ चुके थे। अब सभी की नजरें शुभमन गिल के ओर थी और फिर शुभमन गिल ने भी इस मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को 35वें ओवर में ही 243 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी डालने आए कैमरन ग्रीन ने शुभमन गिल को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 97 गेंद में 104 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों ही सेट हो चुके शतकवीर अब आउट हो चुके थे, लेकिन अभी भी भारतीय पारी खत्म नहीं हुई थी। विकेट गिरने के बाद अब ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर ईशान किशन और कप्तान केएल राहुल ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। ईशान किशन ने आते ही कैमरन ग्रीन को एक लाजवाब छक्का लगा दिया। दोनों ही बल्लेबाज फिर एक बार अपनी टीम के लिए मजबूत साझेदारी बना रहे थे। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन फिर पारी का 41वां ओवर डालने आए एडम जंपा ने ईशान किशन को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 18 गेंद में 31 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब भारतीय टीम को आखिरी 9 ओवरों में एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ चुकी थी और सूर्य कुमार यादव ने वही किया जिसमें वह हमेशा से ही जाने जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने इरादे साफ करते हुए पारी का 44वां ओवर डालने आए कैमरन ग्रीन को लगातार 4 छक्के लगा दिए।
पूरा मैदान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान खुद स्टीव स्मिथ अपने गेंदबाजों से पूरी तरह नाराज दिख रहे थे। इसी बीच कप्तान केएल राहुल ने दूसरे छोर पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी के 40वें ओवर में कप्तान केएल राहुल को कैमरन ग्रीन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान केएल राहुल 38 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसका कोई भी असर सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में लगभग 195 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, और फिर इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने पारी के 47वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया, और सूर्य कुमार यादव ने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर अंत में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 37 गेंद में 6 छक्के और 6 चौकों की बदौलत 72 रन बनाए, और इसी के चलते भारतीय टीम 399 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 400 रनों की विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मैथ्यू शॉट और डेविड वार्नर के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था। और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मैथ्यू शॉट को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। मैथ्यू शॉट 8 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही मैथ्यू शॉट के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को उनकी पहले ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान स्मिथ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, और फिर डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मैदान में बारिश शुरू हुई और मुकाबला बहुत समय तक रोका गया, लेकिन इस बार मुकाबला शुरू हो जाने के बाद ओवर घटाए गए और मुकाबले को 33 ओवर का बनाया गया। और फिर एक बार बारिश के बाद डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन बल्लेबाजी करने आते ही मार्नस लाबुशेन को रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्नस लाबुशेन 31 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद डेविड वार्नर को भी रविचंद्रन अश्विन ने LBW आउट करा दिया। डेविड वार्नर 39 गेंदों में 53 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, और फिर अश्विन ने इसी ओवर में नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश को भी LBW आउट करा के पूरा मुकाबला ही बदल दिया। जोश इंग्लिश 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी से थी, वैसा प्रदर्शन खिलाड़ी नहीं करके दिखा पा रहे थे। भारतीय गेंदबाजी किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज को टिकने का मौका ही नहीं दे रही थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर में एलेक्स कैरी को रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। एलेक्स कैरी 12 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद कैमरन ग्रीन को भी ईशान किशन ने रन आउट कर दिया। कैमरन ग्रीन 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए थे। कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों जैसा प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाया, लेकिन अंत में शॉन एबॉट और जोश हेजलवुड ने मिलकर कुछ बड़े शॉट खेले। खुद शॉन एबॉट ने इस मुकाबले में एक लाजवाब अर्धशतक लगाया। तो वही शॉन एबॉट और जोश हेजलवुड के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई, लेकिन फिर पारी के 28वें ओवर के आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने जोश हेजलवुड को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोश हेजलवुड 16 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे शॉन एबॉट को भी रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में 99 रनों से मात दे दी। दोस्तों, इस जीत के साथ इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला को भारतीय टीम ने 2 लगातार मुकाबले जीतकर अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के शतक ने इस मुकाबले को एक बड़े मुकाबले में तब्दील कर दिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के अलावा एक और सितारा चमका, और उसका नाम था सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अंत में भारतीय टीम के लिए 37 गेंद में 72 रनों की गजब की पारी खेली, और इसी के चलते भारतीय टीम 400 जैसा बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रख पाई। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे?
आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।